तो टीजर है, पूरे तरीके से मेरे डायलॉग्स आए भी नहीं, वो सरप्राइज पैकेज है। मैं इस फिल्म में ब्रज भाषा बोलती हूँ, बाबू मशाई में बिल्कुल अलग डायलेक्ट था, वो मेरा यूपी का, यूपी बिहार का एक बॉर्डर का डायलेक्ट था, ये अलग डायलेक्ट है। यहाँ मैं राजस्थान की लड़की हूँ और ये काफ़ी डरी सहमी सी लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड उसे पीटता है, फिर वहाँ एक खून हो जाता है, उसका शक इस लड़की पे आता है, तो वो जो है माया, मैं जिसका कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो वो बचने की कोशिश करती है। ये है स्टोरी, बिल्कुल अलग है, है कि कॉमन बस एक ही चीज़ है कि वो साड़ी में थोड़ा देहाती लुक है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग है। कंफर्टेबल इन लव मेकिंग सीन्स, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट का जो ज़रूरत है, एक बोल्ड फिल्म है जिसमें एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है जहाँ औरतें मतलब रिवोल्ट करते हैं, उसका और एक तरीका है, मोस्टली औरत दे यूज़ द सेंसुअलिटी टू टेक रिवेंज, ऐसा भी होता है। ए ही मिलेगा, दैट इज़ वॉट वी नो, और हम लोग को कई सीन्स नहीं काटने बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी। सो आई फील इवन सेंसर भी जानती होगी कि इसे काटने से जिस्ट चला जाता है। सो वी आर ऑल सेट फॉर यू ए और ए जो भी देंगे। यू मिल जाती है तो हमारे लिए बेहतरी है, लोगों को चेयर अप करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि यू नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब जो नॉर्म्स हैं सेंसर के जो नॉर्म्स हैं अपना, अगर वो फुलफिल करते हैं तो मुझे लगता है यू ऑलमोस्ट यू बाय ए तक ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिली जाए। आई कुड ओनली थिंक ऑफ विदिता इन दिस रोल, ये मेरा कॉल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस के, और कोई मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि somebody else could do. Of course, I did see बंदूक बाज, मुझे तब से ये बहुत पसंद आई है, and she is a performer. She has done a wonderful job. She has proved कि आपने casting जो की वो सही, she has been a wonderful person, down to earth, कोई tantrums नहीं, उसे आगे जाना है, and अमेजिंग काम दिया, लाइक जैसे ऑडियंस भी देखे कि पिक्चर शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। सच भी है, एक जर्नी है ये फिल्म, एक जर्नी है बस, इतना इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा कि एक बच्ची भी है तो एक उम्र दराज औरत भी है उसमें, तो उसका एक जर्नी है। हाँ, इट्स अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, यू नो इट इज नॉट ऑलवेज ईजी दैट सच काइंड ऑफ नैरेटिव कम्स योर वे, जहाँ पे मेन एक जो लड़की है वो मेन लीड है ही, और जिसके ज़रिए कहानी चलती है, और साथ में ये पुलिस ऑफिसर, वो भी एक फीमेल पुलिस कॉप है, और इसमें यू नो देर इज़ थ्रिलर एंड देर इज़ टू मैनी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, सो एक और दो फीमेल्स में एक टकराव है इमोशंस का, सिचुएशंस का, नहले पे दहले का एक खेल चलता रहता है, सो इट वाज अ यू नो नाइस। हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि यूए की गुंजाइश है। ये फिल्म जो है ये एक बच्ची की कहानी जर्नी है, जो 10 साल की बच्ची का जर्नी, मतलब उसके साथ क्या क्या हालात आते हैं, क्या क्या समझौता आते हैं और उसको क्या क्या समझौता करना होता है, समझौते में बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, तो इसलिए मुझे नहीं आया कि ये मिलेगा, यही मिलेगा। मैंने जब ये कहानी लिखना शुरू की तो कभी कभी एक कुछ ऐसे साधारण से लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि उनके इतने लेयर्स इतने रूप होते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है एक लड़की की जो एक छोटे से गाँव की है, जो साड़ी पहनती है, एक औरत को हम भाभी या बहन माँ एक सर्टेन उन्हीं चीज़ों में ही हम एक सीमित कर देते हैं, लेकिन एक औरत में बहुत रूप हैं और जितने रूप हैं कोई आज तक ना समझ सका है।